जी का कहते बैलगाड़ी को नहीं रुकाई, मैं बोले हमारे से रेलगाड़ी को नहीं रुके, बिसाऊ क्या रुकेगी रेलगाड़ी, बिसाऊ रोक देंगे तो मैं बैठा बाकी है वो कौन सा गाँव है, वो एक बम्बई का कहना है शिरडी, अरे तो शिरडी थोड़ी जानो है विधायक है एमपी साहब है, अठे की जनता तो कलकत्ता बम्बई सगला ही जा है। तो बूढ़िया बोलता के काट की हांडी है कि बार चढ़े दोबारा मत चढ़ाओ, तो आप कहा जनता गैल ने गलती कर गई, आप कहा को नहीं करेगी। काफी विधायक आ गए, सब कुछ आ गए, आश्वासन दिया लेकिन उन्होंने कॉलेज नहीं दिया, विधायक जी ने हमको कॉलेज दिया। सगला भैन राम राम, खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बिसाऊ बाजार में फिलहाल हूँ मैं, यह बा जगह है जठे विश्व की सब प्रसिद्ध मूक रामलीला को आयोजन करवाया जाए। अपनी फिलहाल जो चुनावी यात्रा चल रही है भी दौरानी बिसाऊ का मेन मार्केट में मैं हूँ, अठाऊँ अलग अलग वार्डाऊँ जा रहा हाँ, जो ही लोगों ने पता चलो कि आप अठे पहुँच रहे हैं, कुछ लोग अभी एकत्रित हैं, मैं आऊँ जानकारी ले सूँ कि इस बार जो जो विधानसभा चुनाव जो अपना चल रहे हैं एक मैंने कौन सा के मुख्य अहम मुद्दा ही बन लेके ये लोग मतदान करने जा रहे हैं, कौन सा के काम है का विकास का आप 5 साल का मैंने करवाया गए हैं और क्या उम्मीद है कि और है जो करवाया आने वाले टाइम पर विकास का काम हम करवाया जाएगा। बना रहो वीडियो लास्ट तक देखेगा तो भी मैंने पूरी जानकारी जो था मिल जाएगी और उम्मीद करूँ कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करागा ताकि यह लोगों का मुद्दा ही जो सरकार तक पहुँच पाऊँ। सर सब पहले तो खबर लोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजीव कुमार क्याल जी शहीद बाबा मास के व्यवस्थापक, मैं हमारे मंडावा विधानसभा क्षेत्र के बारे में विधायक जी इटा जी के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे बिसाऊ के विकास के लिए बहुत कुछ काम किया। इस बार मैंने अपने 20 साल के कार्यकाल के अंदर ऐसा काम नहीं देखा। उन्होंने पहले तहसील का काम दिया जो हम पहले मर्सी जाना पड़ता था हमको, जो आज उन्होंने बिसाऊ में तहसील बना के दिया, कॉलेज बना के दिया। काफ़ी समय से ये मांग चल रही थी, काफ़ी विधायक आ गए, सब कुछ आ गए, आश्वासन दिया लेकिन उन्होंने कॉलेज नहीं दिया, विधायक जी ने हमको कॉलेज दिया, स्टेडियम दिया बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम दिया। स्टेडियम की तो शायद अभी लास्ट जो आपने बजट होगी मैं नहीं घोषणा हुई है, उसमें घोषणा हुई है। विधायक जी ने बहुत प्रयास किया, बिसाऊ को कॉलेज की स्टेडियम का दिया, मीठे पानी के लिए कुंभा योजना चल रही है उसके लिए उनको बहुत बड़ा योगदान दिया। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं विधायक जी, हमारा क्षेत्र बहुत ही खुश मतलब बहुत खुश है विधायक जी काम से और बहुत ही मतलब बढ़ चढ़ के हर साल हमारे यहाँ से विधायक जी हर चीज़ 4 जाबोट प्लस रहते हैं। हमको इस बार देश आया कम से कम 6 से 7 हज़ार बिसाऊ से प्लस होकर निकलेंगे विधायक जी, 14 हज़ार वोट पोल होंगे उसमें कम से कम 10 हज़ार वोट हमारे विधायक जी इस बार बिसाऊ क्षेत्र से लेंगे। बिल्कुल, तो आगे कौन सा के मुख्य तहसील मिलगी, कॉलेज होगी, स्टेडियम होगो, अब के और भी बिसाऊ का मैन के हैं कि चीज़ डेवलप करवाई जाए कि आने वाले टाइम पर भी काम ही विकास का करवाया जाए। विधायक जी तो जो हमको ऐसा बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए मेरे को बोल लो, बस सिर्फ हमने जो मांगे उन्होंने दिया और जो भी गांव की जैसी जरूरत होगी टाइम टाइम से विधायक जी एनी टाइम हमसे तैयार रहते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि बिसाऊ के लिए मैं एनी टाइम तैयार हूँ, कोई भी समस्या कोई भी प्रकार की बिसाऊ को तरक्की के विकास के लिए आपको कुछ चाहिए आप मेरे को बोलिए, उन्होंने काम किए आगे भी वो करेंगे। बिल्कुल, मैं तौजी अपने साथ ही सर सब पहले तो खबर लोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत्यनारायण क्याल जी और विधायक जी ने यहाँ पर बिसाऊ के अंदर बहुत काम पूरे क्षेत्र में काम किया, 20-30 सालों में जो काम नहीं हुआ है वो विधायक जी ने ये 5 सालों में काम किया है और हर समय सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, अपना जीवन पूरा सेवा में लगा रखा है। अब इतना एक सब बड़ी चीज़ यह देखी जा रही है कि इस बार अभी जो माहौल बन रही है कि विकास की बजाय लोग लाइजन पर वोट देगा, देखो विकास सबसे प्रथम चीज़ होती है, हर कार्य में विकास कार्य चाहिए और हर काम में विकास हुआ है और आगे विकास इससे भी ज़्यादा होगा ये पूरा विश्वास है लोगों को। यहाँ पर हर समय जो है ना वोट कांग्रेस का ज़्यादा रहता है, पूरे क्षेत्र में जैसे 2,45,000 वोट है उसमें 1 लाख से ऊपर विधायक जी को मिलेगा। सांसद ने टिकट दी गई है बीजेपी के द्वारा, हाँ वो ठीक है, सांसद को मैं गलत नहीं बताता हूँ, बाकी क्षेत्र में जो सांसद काम करता है उसे 100 गुना ज़्यादा कर रहे हैं विधायक। अब एक जो बीजेपी वो भी मुद्दों उठावा कि भाई जो पेपर लीक होया वहाँ को भी प्रभाव कुछ क्षेत्र में रहेगा, ये जो बातें हैं ना ये तो कोई भी राज हो किसी का भी हो ये तो होता रहता है, उसमें बहुत सुधार किया है, उनको मृत्युदंड का प्रावधान बना दिया है और आगे और इसमें सुधार होगा। बिल्कुल, मैं और भी जो अपने साथ शहरवासी ही यू ही वार्ड है के मतलब मार्केट में ही रहो, मार्केट में रहो तो मार्केट की नहीं, बिल्कुल जाओ भी क्यों मार्केट में थे हो जाने रौनक है और मार्केट शायद बहुत पुराना है आपनो जो बहुत पुराना भी साहब, क्योंकि अठे की मूक रामलीला जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हर कोई है जो बिसाऊ की मूक रामलीला की वजह जाना है। अरे एक चीज और प्रसिद्ध है मंडावे की, रामनारायण चौधरी की कांग्रेस की सीट,
तो बूढ़िया बोलता के काट की हांडी एक ही बार चढ़े दोबारा मत चढ़ायो तो आप काले जनता गैल ने गलती कर गई, अब काले को नहीं करेगी। तो फिर एक जतो जो आकलन बनाए जाए, जब बड़ी बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, एक विश्लेषण करो है, अलग अलग सर्वे करवाए गए, और भी मैंने यह चीज़ निकल के आई है कि अठा नरेंद्र कुमार है जो सारी टक्कर देश के कहना है रीटा चौधरी ने। तो वह तो बैठे की सेंट्रल की योजना है, वह तो बैठे लोकसभा में लागू हो जी। नरेंद्र जी मंडावा विधानसभा के लिए कह रहे हो वह आपकी योजना अठे ले आके बताओ पब्लिक में। मारे बिसाऊ का अठेगा जिगा बहुत बड़ा मान्यता प्राप्त आदमी बाजार मान लियो, बिसाऊ में रेलगाड़ी के खातर गया, बिसाऊ को 20 किलोमीटर को एरियो जी कह के माने हर व्यक्ति ने भी की रेलगाड़ी की जरूरत है जी का कहते बैलगाड़ी को नहीं रुकाई। मैं बोलिया मार से रेलगाड़ी को नहीं रुके, बिसाऊ के यहाँ रुकेगी रेलगाड़ी? बिसाऊ रोक देगा अजी, बिसाऊ रोक देगा तो मैं बैठा बाकी है वो कौन सा गाँव है, वो एक बम्बई का कहना है शिरडी। अरे तो शिरडी थोड़ी जानो है विधायक है एमपी साहब है, अठेगी जनता तो कलकत्ता बम्बई सगले ही जाए रुकवा देता है एक गाड़ी। एक मैं लगभग वार्डा में घूमे हूँ, बाद में मैं मार्केट में आया हूँ, तो यो एक अहम मुद्दो है कि भाई अठे रेल कौन रुकी, तो यो कतो बड़ो मुद्दो है भाई, या समस्या क्यों है? एक आदमी के लिए कोई एक पार्टी का आदमी के लिए थोड़ी हो पार्टी के लिए सब विधानसभा क्षेत्र मंडावे के मायने हर व्यक्ति की जरूरत थी। अरे मैं गलत भी कह तो मेरी सुनो, अठे पे अगर रेलगाड़ी रुकवा देता तो भी इंजन को कोई टायर पंचर थोड़ी हो जाता बिसाऊ में क्या भाई आगे कौन जागी? और भी तो ही मनी और भी तो बहुत चीजें रुक रही है, मूलभूत जरूरत। आज आप बाबा विकास की बात करना चाहला हाँ तो भी मैं एक रेल भी मैं बड़ो मुद्दो है बिल्कुल अठे क्षेत्र के मायने आप लोग जिको क्षेत्र है मंडावे को अठे आप कहाँ लंबी दूरी की गाड़ी अठे पहुंची बहुत है, अठे शिक्षा को प्रसार बहुत है, तो अठे की पब्लिक बेकूफ को नहीं बनाए थे जो विकास करियो है सांसद साहब वो अठे की जनता ने बता दियो आकर के, और जो विधायक जी विकास करियो है मैं बता दी सी के मैं क्या करियो है, दूध को दूध पानी को पानी हो जी सी। साल में खूब विकास करियो साहब, 5 साल के माय ने जो चीज जनता मांगी है पासो की मिल्यो है उरे। अब अगर एक रेलगाड़ी अठे रुके है जी, एक क्यों 5 रुकाओ ना? नहीं मैं एक बात कर रहा हूं, आप एक बात कर रहे हैं कि एक रेलगाड़ी अगर रुके है जो जी रेलगाड़ी की बात करी जा रही है कि जो बॉम्बे रेलगाड़ी जा रही है क्यों कतो के प्रभाव बिसाऊ पर पड़ेगा? अब थारे कहने से रेलगाड़ी रुके अठे को आदमी वोट है गे वो को नहीं देवे। सर मैं पूछ रहा हूँ जस्ट, मैं सवाल यो मेरी बात सुनो सर, मेरो सवाल यो है के तकलीफ है, मेरो सवाल यो है कि रुके है तो के बेनिफिट बिसाऊ न होए? बिसाऊ को नहीं होए, 25 किलोमीटर की एरिया न होए, मंडावो विधानसभा क्षेत्र न होए, मलसीसर तक होए, बठेगा दूर दूर जिका भी आदमी है पैसेंजर है, मैं मान को है जी को फायदो उठा है बहुत फायदो ओ मंडावो विधान। तो एक विधायक भी चीज के लिए तो अगर अठावन मुख्यमंत्री की सभा हुई है, मुख्यमंत्री की सभा हुई नहीं साहब, दायरो बंटेड़ो है सैको अनिल जी वैष्णव जी का रेल मंत्री है, वहाँ का खास आदमी है आपने राजस्थान का सीट गाल के विधायक एमपी साहब बैठे ही बैठे है लोकसभा में, मान कह करके ये रुकवास के तो के मानो की वजह कौन रुकवाई? तो मैं जाना साहब क्यों को नहीं रुकवाई, फिर भी जाके बातचीत करी के इंजन को टायर पंचर हो जाए केवरो बिसाऊ में गाड़ी रुक जाए तो कुछ बिसाऊ का वोटा से मतलब ही कोनी, बिसाऊ का वोटा से मतलब कोनी जी। विधायक के क्षेत्र के दायरे का काम हा बैठ है कांग्रेस को विधायक खूब खूब करया साहब, खूब करया साहब, और जो काम संसद से होना था बैठ एक ही बनी, एक बाठो भी विधायक जी के नाम को बिसाऊ में लाग जाए तो काम को के साहब सांसद साहब एक काम भी करियो है तो थोड़ी बहुत मारे भी मन मलसीसर में एक कॉलेज खुलवाई बताओ। देखो जी मलसीसर की कॉलेज, देखो मलसीसर राजाने मालिक जगह को पेट खाली हो ना दर्द भी कहो है पेट में, बिसाऊ में क्यों हो तो मेहमानता के साहब बिसाऊ के लिए बहुत कुछ करियो है। अब फिर जा कर के हैदराबाद और दिल्ली की बात मारे से पूछोगा तो मारे बस की बात को नहीं साहब मान तो भी साहब क्या मतलब है? फिर सांसद कौन सा मुद्दा पर वोट मांग रहे हैं? बस तो साहब बान पूछो बे तो कहे के मैं तो बहुत काम करियो है सांसद साहब, ओ मंडावो विधानसभा अब कल है हाथी पछाड़ विधानसभा बनेगो क्यों बनेगो के अठे लोग आज तक जिका विकास नहीं करियो,
वह चाहे परिवहन मंत्री हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष रेहड़ा हो, समझ गए आप? अब काला नंबर सांसद साहब की जनता हटे मंडावे की है कि हाथी पछाड़ विधानसभा में अब काला घर को रास्तों दिखा देगी अठे विकास चाहे झूठा वादा झूठा भाषण जनता ने कोनी चाहे। अगर विकास होगा तो अठे की एरिया का टाबर है, बच्चा है, बड़ा बुजुर्ग है, वैसे भी को लाभ लेगा। गवर्नमेंट की योजना जो बने है वह जनता के हित के लिए बने, यही समझ में। अगर जनता ने भी योजनाओं को लाभ आपा नहीं दे सका तो भाई जी ए तो आपने हिंदुस्तान के मायने एक बहुत बड़ा साधु संत होए जी का कुंभ को मेलो आवे जदी दिखे गए, यही समझ में। अरे कुंभ के मेले के बाद में 5 साल खड़े चला जाए बांको बेरो ही को न्या पटे तो बाकी बा अपना जिका या सांसद साहब है अब चुनाव मंडगा जद अठे दिखवा आएगा के माने वोट दे दियो। आज जनता बोली को नहीं मंडावेगी, बहुत चतुर जनता है या सियाणी जनता है, बड़ा बड़ा ना घर को राज तो दिखा दियो या मंडावेगी जनता तो अब का नंबर नया जाए कटे। बिल्कुल दोस्तों, अभी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और सब बड़ी चीज़ की एक जो अहम मुद्दों बताए जा रहे है, रेल को एक अहम मुद्दों है कि मानो कि ब्यू कतों के प्रभाव अगर रेल रुकती तो बिसाऊ का विकास पर पड़तो या अठा का लोगन के फायदो मिलतो? अठे का लोगों ने पूरे फायदे मिलते, अठे मंडावा क्षेत्र का लोग बहुत सा और बम्बई के लिए और बम्बई के आसपास के एरिया के अंदर बहुत उद्योगपति है, वो उनका सबका यहाँ शेखावाटी बेल्ट का सारे लोग वहाँ बिजनेस करते हैं, तो उन वो जाने आने के लिए हमारे बिसाऊ का स्टेशन है उसके आसपास की एरिया का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा जनता को, इसलिए बहुत लगते हैं, बहुत देहात लगते हैं और ये मेन मुद्दा है हमारा, क्योंकि अब पास लोग की तरीकों व्यवस्था कर रहा है कि अब कठे हम की तरीकों जा रहे हैं, हमारे को चूरू जाना पड़ता है, कभी कभी वो फाटक बंद हो जाता है, ट्रेन छूट जाती है, हमारा सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, पैसे लग जाते हैं, टाइम बर्बाद हो जाती है, इमरजेंसी के अंदर कोई आदमी जा नहीं सकता या फिर हमको जयपुर जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए, इसलिए हमारी और हमारे बिसाऊ स्टेशन के ऊपर और रेलवे का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, जबकि और स्टेशनों का कलेक्शन नहीं है उसके बावजूद वहाँ ट्रेनें रुकती है और हमारे यहाँ क्यों नहीं रुकती? इसका मेन कारण ये है कि सांसद महोदय का इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सांसद महोदय अगर इंटरफेयर करें तो कभी भी रुक सकती है गाड़ी। तो सांसद साहब बोल रहे हैं कि झुंझुनू के लिए मैं अत्ती ट्रेन आज तक को नहीं जती ट्रेन पर लेके आए हैं, जो झुंझुनू को रेलवे स्टेशन अभी को विकास करवाया जा रहे है, झुंझुनू एक ट्रेन लेके गया जिकी भी बांस को रुकी, चूरू ले गया कस्बा जी बांक करने से कोई ट्रेन रुकी ही को नहीं, बढ़ा झुंझुनू घड़े ले गया ट्रेन, आप फील्ड में आओ और झुंझुनू के लिए उन्होंने एक ट्रेन पास करवाई वो भी सांसद जी ने ले गए, हम सांसद चूरू सांसद कस्बा जी के पास गए थे, उन्होंने कहा कि आपके सांसद से एक बार कहलवा दो मैं ट्रेन आपके पास बिसाऊ रुकवा दूंगा, लेकिन सांसद महोदय ने एक बार भी उनको नहीं बोला। और ये श्री राम जी की देन है कि बिसाऊ स्टेशन बचा है, बाकी जब बड़ी लाइन पड़ी थी ना तो बिसाऊ स्टेशन ही था, लेकिन श्री राम जी की देन है कि उन्होंने सोनिया गांधी जी को ऊपर बोला कि मेरा बिसाऊ क्षेत्र है मेरे क्षेत्र में आता है और सबसे मतलब प्रॉफिट में ही है यहाँ का रेलवे, और उन्होंने प्रयास किया जब हमारा यहाँ पे रेलवे बच्चा वो भी बंद हो गया था यहाँ पे। जो भी देन है विकास की सब कांग्रेस की है आज तक, 5 साल में उन्होंने काम किया, बताओ उन्होंने दिया। बिल्कुल दोस्तों, अभी फिलहाल मैं मुख्य मार्केट को नहीं बढ़ेगा, मैं हमेशा विकास का सागर रहूंगा, जो विकास करेगा उसके साथ रहेंगे। विधायक बने आज तक जब भी को नहीं आया और न कोई काम करवायो, सांसद बन गया जब भी कोई काम को नहीं करवायो, सांसद कोटे से बहुत सा काम गवर्नमेंट से मिले थे लेकिन एक पूरे बिसाऊ ही नहीं पूरे मंडावा क्षेत्र में भी उन्होंने कोई काम नहीं करवाया सांसद कोटे से। बिल्कुल दोस्तों, ये चीज़ ने लेके अभी ये लोगों में काफ़ी निराशा है, क्योंकि मैं बिसाऊ मेन मार्केट में फिलहाल अड़े उपस्थित हो, बाकी वार्ड में जा रहा है बहुत सा लोग ये चीज़ भी बोल रहे हैं कि सिर्फ जो मुस्लिम वार्ड ही बम जाके आप बात कर रहे हैं तो यह चीज़ निकल के आ रही है कि भाई लोग तो परमानेंट कांग्रेसी ही, लेकिन मेन मुख्य बाजार में ज़्यादा पहुँचों तो अठाऊँ भी यह चीज़ देखने मिल रही है कि एक ट्रेन नहीं रुकने की वजह ये लोगों में अति निराशा है कि अगर सांसद रहता हूँ एक ट्रेन की व्यवस्था नहीं करवा सका तो मन के आधार पर वोट दिया जाए। हालांकि अब यह चीज़ तो 25 तारीख में पता चला की जोड़ी में कता के वोट आऊँगा, हालांकि मैं वार्ड वार्ड जो अठाऊँ बिसाऊ मेन मार्केट का लोग ही बहुत बातचीत करी है, मगर विचार जाने कि कौन सा के मुख्य मुद्दा लेके अभी फिलहाल वह चुनाव उतर रहे हैं। वीडियो के बारे में सारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।